बच्चों के खेल को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे व पथराव हुआ, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं लोगों ने बताया कि पुलिस को कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। रविवार की शाम को थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मथुरा गेट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं मोहम्मद अंसार का कहना था कि क्रिकेट मैच में बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर दूसरे पक्ष ने घर में आकर सभी लोगों को प्लानिंग के तहत जमकर ईंट पत्थर बरसाए और तमंचे का इस्तेमाल भी किया, जिसमें एक ही पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं जब 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया गया तो पुलिस के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा करीब 10 मिनट तक बवाल किया गया, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी व आमजन सहायता के लिए मौके पर नहीं आया। मनोज अग्रवाल, वृंदावन, समाचार 24। मोहम्मद अंसार, क्या मामला, क्या हुआ, क्या है, हुआ है? मामला ये, बच्चे को मैच को लेकर बच्चे को मारा है फील्ड में अभी, ठीक है ना? क्रिकेट का मैच हो रहा था, क्रिकेट के मैच में, और उस बात को कहा सुनी करके नहीं आया तो वो सारे लोग हिम्मत लेने के नहीं आ गए, कट्टे की वक्त मेरी खोपड़ी को फाड़ी है। कौन लोग है, क्या नाम है इनका? इनका एक का नाम इरशाद है और उसके भंजे का नाम है अभी नाम है उसका। इसने और लाला ने मुझे धारदार हथियार से हमला किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये वृंदावन के सीएसपी चौराहे के। क्या बुला रहे हो? खाली एक छोटी सी बच्चे की लड़ाई पे ही इतना मतलब? जी जी जी। हाँ हाँ। कितने लोग होंगे लगभग मानने? लगभग कम से कम 10 लोग हैं। वो 10 लोग, 15 लोग। क्या क्या हथियार थे उनके पास? 15 लोग कट्टे थे, तमंचे थे। उनके लेडीज हमारे घर पर, लेडीजों को मार गए, लोगों को मार गए। हमारा परिवार छोटा है, हम तीन भाई थे और वो कम से कम 15 लोग थे जो है। और मेरे यहाँ पे खोपड़ी फूट चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी। और देखो मेरे भाई की भी फूट रही है और मेरे इन बड़े भाई की भी फूट रही है। और मेरा ये हाथ टूट चुका है यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से भी मेरा हाथ है, यहाँ पर पाइपों से मुझे मारा गया है। तो हमको बहुत घेर के मारा गया है, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी प्लानिंग के तहत उनने हम पे हमला किया है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी नहीं है सर? हम पुलिस को फोन कर रहे हैं बराबर, पुलिस अभी आ नहीं सकती।